हम लोग को बहुत अच्छा लगा कोर्स, और इसकी जानकारी हम लोग लेना ही चाहते थे कि ये कोर्स करने के बाद क्या करने का विचार है। अभी तो इसी में इसी से जुड़ना है सर। अभी आप क्या मने गृहिणी है? नहीं, हम थोड़ा सा सिलाई सिखाते हैं। अच्छा, सिलाई सिखाते भी हैं। हाँ। चलिए तो ठीक है, सीखो के और लोगों को सिखाइए और कुछ काम पे जुड़ जाइए महिला सशक्तिकरण का टाइम। मैडम हमसे पूछिए एक बार कि मैडम कि सर मेरा उम्र बहुत हो गया है, हम ट्रेनिंग ले सकते हैं कि नहीं? तो हम लोग, नहीं ट्रेनिंग आप ले सकते हैं, 18 साल हमारे यहाँ कम से कम 18 चाहिए, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। तो ये आप इनके लिए एक बार जोरदार ताली होना चाहिए। इस उम्र में नॉर्मली महिलाओं का उम्र नहीं पूछना चाहिए, लेकिन ये खुद हमको बतलाई थी कि मेरा सर उम्र इतना हो गया। तो हमने बोला नहीं, आप ट्रेनिंग लीजिए, और पंक्चुअल ट्रेनिंग ली है। और क्योंकि अभी उद्यमी मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में का ये तो आप ही नहीं बता रहे। सर ये जो हमको बतलाई हम नहीं बतला रहे तो लगभग 55 बतलाई थी ना, 52 तो इनके लिए सर मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, क्योंकि ये 10th पास है तो एलिजिबल नहीं है, तो मैंने उनको आश्वासन दिया कि मुख्यमंत्री में नहीं जाकर मुद्रा योजना में जो 10 लाख है उसमें हम आपको सहयोग करेंगे, बैंक भी तैयार है देने को, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप आगे करना चाहती तो हम लोग सहयोग करेंगे, और आपसे आप लोग से फिर निवेदन है कि और भी ट्रेनिंग आए। और कैसा ट्रेनिंग कैसा रहा और भी क्या किया जा सकता है इसके बारे में बात करें। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग सर मैम। मैं एथनिक फैशन वर्ल्ड से सर आज से करीब 4-5 साल पहले से जुड़ी हुई हूँ। उस समय ये सब कोर्स चलते थे तब हम लोग किए नहीं। बेसिकली हम लोग सब गृहिणी हैं, हाउसवाइफ हैं, एक लंबे अरसे के बाद हम लोग सब बाहर निकले कि हम भी कुछ काम करें। और मेरा अपना, मेरे हस्बैंड का एक फैक्ट्री है, तो उसके बाद भी मेरा सर फॉइल पेपर, पेपर नैपकिन और प्लेट के सर। हाँ, तो मुझे लगा कोरोना के टाइम पे कि एक लेडी को हर चीज़ की जानकारी होनी चाहिए, उसको जब आगे बढ़ना, क्योंकि समय नहीं पता रहता ना कि कब क्या हो, इसका हमें जानकारी नहीं होता, ये हमें कोरोना टाइम में पता चला। तो मुझे जब इस कोर्स के बारे में मालूम हुआ तो मेरी इच्छा जागी कि हम भी सीखें बिजनेस क्या है, क्योंकि बेसिकली हम लोगों के पास इतना नॉलेज नहीं होता है और ना ही कोई हमें देता है। तो मैम के थ्रू मैं जुड़ी उसमें, और सर मैं आपको सच बताऊं, इस प्रोग्राम से मुझे बहुत बेनिफिट हुआ। मतलब बेनिफिट ऐसा कि अब मेरे हस्बैंड अगर कोई बात करते तो मुझे लगता है यस मैं जानती हूँ। तो वो बेनिफिट प्लस कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ा, और अब मेरी भी इच्छा होती कि मैं खुद अपनी फैक्ट्री जाके ज्वाइन करूं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, प्लस मैम का नेचर। और हम लोग के लिए सर ये बहुत बड़ी बात होती है कि हम घर से निकल के 10 से 5 वहाँ पे अपना ट्रेनिंग दे, क्योंकि हम लोग हाउसवाइफ हैं, सभी यहाँ पे जितनी है सब हाउसवाइफ है, कोई कोई है जो काम करती है, लेकिन मैम इतनी सपोर्टिव है, कोऑपरेटिव है कि कोई भी एक दिन का क्लास छोड़ना नहीं चाह रहा था। और सबसे अच्छी क्लासेस हुई जब आप लोगों ने 10 दिन हमें जो ट्रेनिंग दी, यहाँ से जितने भी टीचर्स गए वो ट्रेनिंग हमारे लिए मैं कहती हूँ कि वो हमेशा हमारे लिए मेमोरेबल होगा। आप लोग तो यूनिट भी घूमे ना एक आधी? यस सर, आज जो हम लोगों ने यूनिट घूमा तो वो भी हमें फर्स्ट टाइम हमने विजिट किया और हम लोग को बहुत अच्छी जानकारी मिली। अब पहली बार हमें पता चला मिठाई बनाने के लिए भी इतने बड़ी बड़ी मशीनें होती है। फैक्ट्री और जहाँ हम लोग घर में बैठ के कढ़ाई पे काम करते तो वो आइडिया मिला कि नहीं, काम को हम अगर बड़े लेवल पे करें तो वो ज्यादा अच्छे से होता है। थैंक यू सर, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और स्पेशली एथनिक फैशन वर्ल्ड से मैं मतलब मैं आप सबसे कहूंगी कि एक बार आइए और गीतांजलि मैम से जुड़िए, आप लोग को बहुत और बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। थैंक यू।